ये हम सेकंड केस में का एग्जांपल देखते हैं, तब कैपिटल एक्स की वैल्यू साइन एक्स और कोस एक्स में हो, और इसके लिए हमारे पास हम जानते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसका, ये डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। कंडीशन क्या होती है, ए माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस केस का इस तरह के कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये हम देख रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका कैसे होंगे। एग्जांपल ये हमारी प्रॉब्लम क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x। ये हमारी दी हुई प्रॉब्लम है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, साइन 2x है। तो साइन 2x ये साइन के फॉर्म में है, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे जो साइन साइन एक्स और कोस एक्स है उसके उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब ये हमको इसको सोल्व करना है। ये इसको सॉल्यूशन के लिए पहले हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इसकी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, डी टू प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ ये कैपिटल डी क्या है, हम पहले भी यहाँ ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल डी क्या है, डी अपॉन डी एक्स की जगह हम जो ऑपरेटर है उसकी जगह कैपिटल डी लिख रहे हैं। तो कैपिटल डी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर इक्वल टू डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस तरह से जो भी जितनी पावर की होगी ये हमारा ये देखिए इसमें ये इसको फॉर्म है लिखने की, तो इससे लिख रहे हैं। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या हुई, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब ये इसका हमने इसके रूट्स निकालेंगे, ये इसको सोल्व करेंगे। रूट्स हमारा जो रूट्स निकालने का ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a उस मेथड से इसका रूट निकाल रहे हैं हम। इसका रूट निकाला तो वो उस मेथड से, ये हमारा सिंपल वर्क है। तो डी इक्वल टू ये क्या आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4/2, और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस i√3/2। तो ये डी की वैल्यू यहाँ हमारे पास फाइंड आउट। अब यहाँ डी की वैल्यू कैसे आ रही है, ये इमेजनरी वैल्यू आ रही है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए यहाँ डी की वैल्यू इमेजनरी आ रही है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इमेजनरी वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा होती है, और उसका हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का हमने मेथड डिस्कस किया था। तो अब यहाँ अल्फा प्लस आइटा माइनस आइटा अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, तो यहाँ ये देखिए अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1/2, और जो बीटा की वैल्यू है वो क्या आ रही है यहाँ, ये √3/2 ये बीटा की वैल्यू है। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू है माइनस 1/2, तो e^-1/2x ये बाहर ब्रैकेट के बाहर है, और इसमें दो ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आ जाएंगे। तो c1 cos और √3/2x, ये c1 ये इसका ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो गया, और cos √3/2x ये बीटा की वैल्यू है, प्लस c2 साइन √3/2x, और ये ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हुआ, ये हमने इमेजनरी वाली फॉर्म से लिखा, जो जिसके रूट्स इमेजनरी होते हैं उस फॉर्म से हमने इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा। तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये जो ये इसका फॉर्मूला था, eax और ब्रैकेट के साथ कोस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स, तो इस फॉर्म से हमने इसका कम्प्लीमेंट्री। अब इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो ये pi पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ये इक्वल टू ये 1/fd, fd की वैल्यू यहाँ डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, ये fd की वैल्यू है, और ये साइन 2x जो हमारे कॉन्स्टेंट कोफिशेंट की यहाँ साइन 2x। अब ये यहाँ हम जैसे देखा तो ये साइन वाली फॉर्म में है, साइन साइन एक्स और कोस एक्स वाले फॉर्मेट में ही हमारे पास ये है। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो जैसा हमने देखा था किस तरह से इसका निकाल, हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। कंडीशन यही है कि
माइनस एफ माइनस ए स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, ए की वैल्यू टू है यहाँ, तो ये वन अपॉन ये डी स्क्वायर की जगह माइनस टू का स्क्वायर, ये माइनस टू का स्क्वायर या माइनस फोर ये लिख सकते हैं भाई। यहाँ डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस ये डी प्लस वन साइन टू एक्स, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाता है हमारे पास डी माइनस थ्री साइन टू एक्स। यहाँ वापस डी लाने के लिए हमने इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डी प्लस थ्री और डी प्लस थ्री को ऊपर नीचे से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये वापस मल्टीप्लाई करने पे ऊपर तो डी प्लस थ्री रह जाएगा, नीचे डी स्क्वायर माइनस नाइन हो जाएगा ये इसको, और ये साइन टू एक्स। फिर वापस हम रिपीटली वही मेथड अपन फिर वापस से यूज करते हैं, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। अब डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया तो ये फिर माइनस टू का स्क्वायर माइनस नाइन, और ये डी प्लस थ्री साइन टू एक्स ये यहाँ रह जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये इधर आ माइनस के वन पॉइंट थर्टीन आ गए, और यहाँ क्या है डी प्लस थ्री साइन टू एक्स, यहाँ डी डिनोट कर रहा है डिफ्रेंशिएशन से। तो जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे ब्रेकेट को तो ये डी साइन टू एक्स डी यहाँ है हमारा डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो इसको इससे हमने ऑपरेट इसको ऑपरेट किया इस ब्रैकेट के लिए, तो ये साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू कोस टू एक्स, ये इसके साथ ये हम इसको यूँ लिख सकते हैं डी साइन टू एक्स प्लस थ्री साइन टू एक्स। तो डी का मतलब डी का यहाँ मीनिंग क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन क्या टू कोस 2x प्लस ये 3 साइन 2x, तो ये कंप्लीट होके माइनस वन अपॉन थर्टीन टू कोस 2x प्लस 3 साइन 2x, और ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ ये टर्म है, ये हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल आई है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हुआ इसका, माइनस वन अपॉन थर्टीन टू कोस 2x प्लस 3 साइन 2x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमारी दी हुई प्रॉब्लम है उसका क्या रहेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ हम देखते हैं हमारे पास पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, ये हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन है y इक्वल टू ये e रेस टू दी माइनस वन अपॉइंट टू एक्स सी वन कोस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री बाई टू एक्स, और ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ये सी ए प्लस पी आई, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस वन अपॉइंट टू एक्स, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ब्रेकिट सी वन कोच रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू साइन रूट थ्री बाई टू एक्स माइनस ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको ये इसको एक्सपेंड करके हम लिख देंगे तो टू अपॉन थर्टीन कोस 2x माइनस 3 अपॉन 13 साइन 2x, इस तरह से ये हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यहाँ ये हमने देखा कि अगर साइन या साइन ax या कोस ax में x की वैल्यू हो तो किस तरह से हम सोल्व कर दें। यहाँ हमने ये देखा कि अगर हम d को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, ये कंडीशन हमको चेक करनी होती है कि ये कंडीशन ये उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो। इस तरह से ये हमारा साइन ए एक्स कोस एक्स, कोस एक्स हो तो कोस एक्स हो जाता है, ये दोनों में एक ही हमारा ये फॉर्मूला यूज आता है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। थैंक यू।